और बी एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2। यहाँ से ए वाई की वैल्यू 1, बी वाई की वैल्यू -3, 1 -3, ए जी की वैल्यू 1, बी जी की वैल्यू भी 1। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए इज परपेंडिकुलर टू B। नेक्स्ट B डॉट C, इसका मतलब हम इसको सिंपल पहले ओपन करेंगे, बी एक्स सी एक्स, बी वाई सी वाई, उसके बाद बी जी सी जी, बी एक्स और सी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू है बी एक्स की और ये वैल्यू आ जाएगी सी एक्स की, तो 2 इंटू 4, बी वाई एंड सी वाई, ये आ जाएगी बी वाई की और ये आ जाएगी सी वाई की, बी जी एंड सी जी, बी जी 1 और सी जी -5। इनको जब करेंगे तो 4 2 8, -3 और -5, तो ये आ जाएगा -3 और -5 -8, तो ये भी अगेन 0 हो जाएगा, +8 -8 0। तो B डॉट C इज इक्वल टू 0, इट मींस B इज आल्सो परपेंडिकुलर टू C। नेक्स्ट C डॉट A, CX AX CY AY एंड CZ AZ, CX एंड AX, दिस वन इज CX और ये आ जाएगा ए एक्स के साथ 1 है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1। सिमिलरली सी वाई ए वाई और सी जी ए जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी सी डॉट ए जो है 0 के इक्वल आ जाएगा, विच मीन्स सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए, क्योंकि तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.8। हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का बी के ऊपर साया फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन, ये ए है और ये बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हम इसको लिखेंगे ए कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमने फाइंड आउट करना है ए कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, यहाँ से अगर हमने ए कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है तो बी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। पहले हम फाइंड करेंगे ए डॉट बी, उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू और बी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये ए एक्स के साथ 1 है और बी एक्स के साथ क्या है 3, 1 3, ए वाई बी वाई, ये वैल्यू आ जाएगी ए वाई के साथ -2 और बी वाई के साथ जो है -4, -2 और बी वाई, क्योंकि आई जे नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 3i प्लस 0j -4k। अब जे के साथ 0 है इसलिए मैंने बी वाई की जगह 0 लिख दिया, प्लस ए जी बी जी, जी के साथ 3 है यहाँ पे -4, 3 -4, सिंप्लीफाई करेंगे -9 आ जाएगा। अब बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी एक्स की जगह हम लिखेंगे 3, बी वाई की जगह -4, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। सो इसको जब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे ए डॉट बी ओवर बी, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास -9 आई है और बी की मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये ए कॉस ऑफ थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। न्यूमेरिकल नंबर 2.11, हमारे पास गिवन डाटा है ए 4 यूनिट्स नॉर्थ, बी 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 3, सी 8 यूनिट्स ईस्ट। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी, तो यहाँ से ये देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ए 4 यूनिट, फिर बी 3 यूनिट और सी 8 यूनिट जो है हमने फाइंड आउट, गिवन डाटा हमारे पास है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, यहाँ से ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और साइन ऑफ थीटा मीन 90 डिग्री। तो ज़रा गौर से देखें, अगर मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करूँ, ये ए है और ये बी है, दिस वन ए एंड बी, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, इससे साइन 90 आ जाएगा। तो ए 4 यूनिट्स और बी 3 यूनिट्स, इसका मतलब कुछ ऐसे है 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, क्योंकि ए से बी की तरफ जाना है तो ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 3 12, साइन 91 होता है इसलिए आ जाएगा 12 यूनिट्स। अब ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी के लिए सेम ए सी साइन ऑफ थीटा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन 4, सी की वैल्यू ये भी गिवन है 8,
फोर एट आर 32, क्योंकि साइन 90 अगर यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करूँ ए और सी, तो जरा देखें ये ए है और ये सी, ए एंड सी, ए सी। अब ए से जब सी की तरफ जाएंगे ऐसे, तो डायरेक्शन क्या आएगी डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन की आ जाएगी, लेकिन एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 अगेन 1 होता है तो 32 यूनिट्स आ जाएगा। अब है बी क्रॉस सी, बी सी साइन ऑफ 180 डिग्री। अब ये है बी और ये है सी, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं दरमियान में ये ओरिजिन, ये बी वेक्टर है और ये क्या है सी, ये बी से सी, तो एंगल कितने डिग्री है 180 डिग्री एंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री। तो साइन 180 क्या होता है जीरो, तो 8 3 24 आएगा, लेकिन जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सबको जीरो कर देगा। इस तरीके से ये बी क्रॉस बी भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो हमने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी तीनों ये फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 2.12 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो इसको सॉल्व कैसे करना है तो जरा इसको गौर से देखना है। टॉर्क टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो मैं इसको टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं आई जे एंड के, आई जे एंड के। उसके बाद अगर आर पहले है तो आर की वैल्यू दिस वन आर 731731, उसके बाद फोर्स है -3 1 and 5 -3 1 and 5। इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले आई आ जाएगा और आपने क्या करना है आई से एसोसिएटेड कॉलम भी छोड़ देना है, इससे एसोसिएटेड रो भी छोड़ देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 3511 3511। उसके बाद सेकंड के साथ माइनस का साइन आता है क्योंकि फॉर्मूला है, सेकंड में माइनस आएगा और इसको भी छोड़ देंगे एसोसिएटेड कॉलम को भी, इससे एसोसिएटेड रो को भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास अगर इन दोनों को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा 71 -3 and 5 71 -3 and 5। उसके बाद आ जाएगा K, इससे एसोसिएटेड कॉलम भी स्किप कर देना है और इससे एसोसिएटेड रो भी, तो ये बन जाएगा 73 -3 1 73 -3 and 1। अब इसको कैसे ओपन करते हैं, ये 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1.6 एक्सरसाइज में आपने देखा था कि डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं। 5 3 are 15 माइनस 1 1 are 1 माइनस जे 7 5 are 35 माइनस माइनस 3 प्लस के 7 1 are 7 माइनस 3 3 are 9 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा 15 -1 14 आई माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 38 जी जे माइनस 38 जे 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 9 16, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 16 के। तो इस तरीके से हम जो है ये टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2.13 फाइंड आउट करेंगे, लेकिन टॉर्क का यूनिट भी इसमें लिख लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, क्योंकि टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट जो आ जाएगा न्यूटन मीटर। अब जो है हम न्यूमेरिकल नंबर 2.13 स्टार्ट करते हैं।